हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुबीन। आप देख रहे हो टैक्विलिट। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक रियलमी का स्मार्टफोन है, नार्जो 30। तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और देखेंगे बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। आपके बजट के अनुसार ये स्मार्टफोन आपको मिलता है। 12-13 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये देखने को मिलता है। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। गेम टेस्टिंग आप करके देखोगे तो गेम का एक्सपीरियंस आपका काफ़ी बेस्ट रहता है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करता हूं, प्लस कैमरा टेस्ट करेंगे, उसके बाद गेम टेस्ट करेंगे और कई चीज़ें और इसके ऊपर हम टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है आपके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं वीडियो में, दिखाते हैं कि क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलता है। हम इसकी फटाफट अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमें अगर बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। मैं आपको साइड से कट कर लेता हूं, इसे कट कर लेता हूं। ये पाउच देखने को मिलता है, सिम इंजेक्टर है इसके अंदर। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सिम इंजेक्टर देखने को मिलेगा, प्लस एक आपको इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला जो एक बैग कवर होता है वो देखने को मिलेगा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद इनको हम एक साइड कर लेते हैं, और उसके बाद हमारी डिवाइस, ये आप देख सकते हो, इसके अंदर हमारी डिवाइस मिल जाती है। तो इसके अंदर हमें एक टाइप सी वाली USB डाटा केबल देखने को मिलती है। फास्ट चार्जर रियलमी का यहाँ पर देखने को मिलता है। सिर्फ बॉक्स के अंदर हमें यही चीज देखने को मिलती है। आपको हीलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर और 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी, प्लस 90Hz स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलती है, प्लस 48MP का कैमरा आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं अपनी डिवाइस को, हमारी डिवाइस किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पाउच के अंदर हमारी डिवाइस है, और डिवाइस को हम इसके अंदर से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी डिवाइस है, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी डिवाइस है। तो इसके ऊपर से इसको हटा लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो नार्जो 3 कैमरे के साथ आपको ये देखने को मिलती है, और उसके बाद साइड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, नीचे आपको एक स्पीकर देखने को मिलता है, टाइप सी जैक देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पर आपको एक माइक और 3.5mm का एक हेडफोन जैक देखने को मिलता है। फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है आपको यहाँ पर साइड में। तो ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी डिवाइस है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरा क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैमरे के नीचे जो सीधी स्ट्रेट में एक लाइन सी बनी हुई है, वहीं पर एरो का सा निशान यहाँ पर सिंबल हमें नज़र आता है। तो डिवाइस सही है, आप बिल्कुल इसको आसानी से यूज कर सकते हो एक हाथ में, और बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इसका। तो इतना ही कुछ इस डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, डिवाइस काफ़ी अच्छी है, सिर्फ यही हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको नार्जो 30 को परचेज करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कैमरा क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है, आप इसको जाके परचेज कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।